नमस्ते, मेरा नाम वरुण टंडन है और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज पायस जेनरे की 125th बर्थ एनिवर्सरी है, तो पायस जेनरे की मैंने 125th बर्थ एनिवर्सरी पे एक उनकी पोर्ट्रेट तैयार की है, जो कि मैंने ऐसा ट्रिब्यूट रेडी की है। और इस पोर्ट्रेट की अपनी ही एक विशेषता है, ये मैंने पोर्ट्रेट उनके ही 125 डिज़ाइन एलिमेंट से तैयार की है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पायस जेनरे जो ली ग्रेट ली कार्बूजियर के कज़न ब्रदर थे और एक ग्रेट आर्किटेक्ट डिज़ाइनर थे, तो उनकी मैंने पोर्ट्रेट तैयार की है। उस पोर्ट्रेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये पोर्ट्रेट का जितना भी आप देख रहे हैं, जितना फर्नीचर है या जितने भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर है, ये मैंने पायस जेनरे के घर पे जाके और ली कार्बूजियर म्यूजियम, जो कि दोनों ही म्यूजियम हैं, वहाँ पे जाके डाटा को गैदर किया। और हाँ, मैं कुछ डाटा जो है वो इंटरनेट से भी यूज़ किया, तो उसके बाद इस फोटो पे काम करना शुरू किया। मैं इसमें आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे हम पायस जेनरे के घर में जाते हैं, एंट्री करते हैं, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, पायस जेनरे लिव्ड हियर दिसंबर 1954 टू अगस्त 1965। तो वो जितने ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे रहे उसके बारे में बताया गया है। जैसे ये देख ले, ये मैंने एक मैप से निकाला था, ये गांधी भवन जो कि आज की डेट में हेरिटेज बिल्डिंग है, उसका ये स्ट्रक्चर है, ये प्लान था मैप से लिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मॉडल है हेरिटेज फर्नीचर का, जो कि पड़ा हुआ है जेनरे हाउस में, सेक्टर 5 में। ये चिमनी है सेक्टर 5 के उनके घर की। तो ये जितने भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे फोटो, जैसे ये हमने बहुत फोटोज़ में देखा हुआ है कि ली कार्बूजियर और उनके भाई जो है वो एक बोट में बैठे हुए हैं सुखना लेक पे, ये उस बोट की रेप्लिका है। ये फोटो मैंने पायस जेनरे हाउस से ली थी। ये जितना फर्नीचर आप देख रहे हैं, ये वाला फर्नीचर, ये ली कार्बूजियर सेंटर जो कि म्यूजियम है अब सेक्टर 19 में, वहाँ से लिया। ये भी ये ऑफिस से लिया, ली कार्बूजियर सेंटर के। ये इनके घर से, ये बेसिकली एक, जैसा कि हमें पता है कि ये कम खर्चे में सारी सुविधाएं देना चाहते थे, तो पहले जो घर थे उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किए थे, ये गर्मियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। तो ये उन्होंने रोशनदान बनाया था दीवार में, ये मतलब बीच में से इंटरसेक्ट करती हुई इट्टें लगा के रोशनदान बना हुआ है। ये एडम ब्लॉक है पंजाब यूनिवर्सिटी का, ये सेक्टर 23 का एक घर है। ये इनकी छत पे जो डिज़ाइन पड़ा हुआ है ये वो है। ये आपको जोशी लाइब्रेरी की फ़ोटो दिख रही है, ये 23 का मॉडल स्कूल है। ये इनकी छत है, छत के जो सीढ़ियाँ जा रही हैं वहाँ से मैंने फ़ोटो ये कैप्चर की थी। ये सर्वेंट क्वार्टर है उनके घर का। ये जैसे हमारे घरों में शोकेस होते थे किसी टाइम पे, तो वैसे ही उन्होंने एक ये अपने रूम में स्ट्रक्चर बनाया था। ये जेनरे हाउस की सीढ़ियाँ, ये उसी घर की चिमनी, ये बैक साइड से, ये भी बैक साइड से एक फ़ोटो खींची गई है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये ली कार्बूजियर सेंटर है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में जो गांधी भवन है उसमें ये पी बना हुआ है, ये वो है, ये गांधी भवन है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टेयर्स के साथ में रेलिंग एक जाती है, ये वो है। ये चंडीगढ़ का मैप बना हुआ है एक दीवार पे, और इसमें और चीज़ें भी हैं। ये जैसे ये गांधी भवन का ये है, गांधी भवन जैसा कि हम जानते हैं हेरिटेज बिल्डिंग में है। ये एक चिमनी है इनके द्वारा डिज़ाइन की गई। ये जैसे ही आप इनके घर में जाते हो, ये लैंप मिलेगी आपको एंट्री पे ही। ये घर के अंदर का वॉल है,
यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, ये उनके घर की दीवार है। ये जैसा कि हमने अभी देखा था एक फोटो जिसमें बैक साइड मतलब एक आंख और एक मुंह की फोटो थी। ये दो कमरे हैं ऊपर नीचे, ये ऊपर वाला कमरा, ये नीचे वाला कमरा, ये अंदर से खींची हुई है। तो इन सबको मिला के मैंने आज एक ट्रिब्यूट दी है पैर जानवे को। इसको बनाने के लिए मेरे को क्यों खास है डिजाइन? इसको बनाने के लिए मेरे को 10 दिन का समय लगा। और ये जो डिज़ाइन है वो इसलिए खास है कि ये मैक्सिमम इनके जो डिज़ाइन है या बिल्डिंग्स है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। और हम सब जानते हैं इनके फर्नीचर की ऑक्शन होती है जो कि बहुत ही 10-10, 30-20-20 लाख के बिकते हैं। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं इनके स्ट्रक्चर हैं, ये सारे बेशकीमती थे और आज मैंने इनको इनसे ही ट्रिब्यूट दी है। थैंक यू।